हेलो एवरीवन, मैंगो फ्रूटी हर वर्ग के लोगों को पसंद आती है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोगों को पसंद आती है। और कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो या सर्दी, मैंगो फ्रूटी का नाम ले दो, बस सभी को पसंद आती है। तो हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे ताज़ा माजा फ्रूटी, मैंगो जूस, आम रस, कुछ भी कह लो। ये इतने सारे नाम फलों के राजा आम से ही बने हैं। गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा पीने का बहाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में 3-4 महीने आम का ही सीज़न चलता है। आम रस बनाना बहुत आसान है, बस 10-5 मिनट में आप आम रस आसानी से बना सकते हो। तो मैं आज आपको ऐसा प्योर आम रस बना के दिखाऊंगी, ना तो बाज़ार से कोई एसेंस ला के डालना है और ना ही कलर मिलाना है। तो मेरे घर पर कुछ आम रखे हुए थे, तो इन आमों से मैं आम रस बना के दिखाऊंगी। जब भी बाहर से कोई सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो मैं तुरंत धो के रखती हूँ, तो मैंने ये आम भी धो के रख दिए थे। तो सबसे पहले मैं इन आमों को एक बार फिर से धोऊंगी। आम के डंठल पर चैपा लगा हुआ होता है, उसे हटाना या धोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसे खा लेंगे तो हमारे होठों पर चैपा लग जाता है, उस दाने से बन जाते हैं। उनको खाने या इस्तेमाल करने से पहले उनको हटा देना चाहिए। आम का छिलका बहुत आसानी से उतार लिया है, तो एक एक करके मैंने सारे आम आराम से छील लिए हैं। सारे आमों को छीलने के बाद इनका अब हम गूदा निकालेंगे। जब हमारा आम से गुठलियों से सारा गूदा नहीं निकले, तो इन आम की गुठलियों को इकट्ठा करके इनमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको निचोड़ लेंगे। गूदा अपने आप पानी में आ जाएगा और गुठलियों को हम अलग कर देंगे। इस पानी में या आमिया के गूदा में हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। मैंने पानी में ही चीनी डाल लिया है क्योंकि इसमें जल्दी घुल जाएगी। घुले न घुले कोई बात नहीं, मिक्सी के जार में सब पिस जाएगी। तो मिक्सी के जार में आम का पल्प डालेंगे और बचा हुआ जो पानी में चीनी घोल के रखी थी वो भी डालेंगे। और हमें जितना आम रस चाहिए उतना हम पानी और डाल लेंगे, क्योंकि आम पिसने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो इसमें और पानी डालने की आवश्यकता है। तो मैंने और पानी डाल लिया है। मुझे लगा था कि थोड़ा सा फीका पड़ेगा, तो मैंने 2 चम्मच और चीनी डाल लिया है। अब इसे मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है। मिक्सी को रोक रोक के आम रस को पीसेंगे, क्योंकि ठंडा जूस तो मीठा ही अच्छा लगता है। आमों के गूदा को पीसने के बाद बहुत बढ़िया सा आम रस बन गया। आम रस हो या किसी का जूस हो, पीने में जब ही अच्छा लगेगा जब वो ठंडा होगा। तो ठंडा करने के लिए मैंने इस गिलासों में 4-6 आइस क्यूब डाल दिए हैं। बहुत बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा आम रस बन गया है। चाहो तो इसमें हम और पानी डाल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आम रस को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो कढ़ाई या भगोने में गैस पर गर्म करके इसे 5-7 मिनट के लिए खोला लेंगे, और खोलाने के बाद ठंडा करके इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो हमारे काफ़ी समय के लिए आम रस बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको आम रस या फूटी का ताज़ा ताज़ा स्वाद लेना है, तुरंत ही पीना है, तो बनाइए और तुरंत पीजिए बिना गर्म किए। अगर आपको जैसा फ्लेवर चाहिए, जैसे केसर, इलायची या कोई मसाला पाउडर, तो वो डाल लीजिए और पीजिए। अब इस आम रस को बनाने के बाद हम कोई भी नाम दे सकते हैं, आम रस, ताज़ा माजा, मैंगो जूस, फ्रूटी। तो देखा आपने मैंने कितनी जल्दी झटपट से बहुत ही आसान तरीके से आम रस बना के दिखाया। मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी। तो दोस्तों, आप भी एक बार मेरे तरीके से आम का रस बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आम का रस बनाने की सादा और सिंपल तरीका है, ना कोई कलर मिलाया और ना कोई एसेंस। आम रस का बहुत ही पीला प्यारा सा कलर और बहुत अच्छी आम की खुशबू भी आ रही है। बहुत ही कम समय में झटपट से बन के तैयार हो गया। तो क्यों ना इस भरी गर्मी में, बच्चों की छुट्टियों में और आम के चलते सीज़न में आम वगैरह का रस बना के ठंडा ठंडा पिलाया जाए। जब भी हमारे घरों में इस तरह के जूस बनाए जाते हैं, तो बच्चों को पता लगता है तो बहुत ही खुश होते हैं और दौड़े दौड़े चले आते हैं। और फ्रूटी का नाम ले दो तो बस बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस तरह के जूस को बार बार बनवाने की फरमाइश करते हैं, नहीं तो एक बार बना के देखिएगा।
अगर आपको आम का रस बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हो और आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जब हम अपनी वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत सारे लाइक मिलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इतने सारे लाइक मिलने पर। सभी को राम राम, नमस्ते, राधे राधे।